हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन छात्रों के लिए दो बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी हैं। जी हां फ्रेंड्स, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दो जोनों का अपडेट है, जिसमें 1 जून से 628 कैंडिडेटों को एएलपी टेक्नीशियन वालों की ज्वाइनिंग के लिए अपडेट आ चुकी है। वहीं पर अगर मैं दूसरे जोन की बात करूँ तो 92 यानी कि 92 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, दो जोनों का अपडेट है, एक जोन दोनों जोनों की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस चलने वाली है एएलपी टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए, वो अगस्त से अक्टूबर तक चलने वाली है। वहीं पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इनकी डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट की बात करूं तो वो पहले ही ऑलरेडी जारी हो चुकी है। डिवीजन अलॉटमेंट की जो लिस्ट थी वो फ्रेंड्स फर्दर प्रोसेस यानी ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए ऊपर को भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। टेक्निकल हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी फ्रेंड्स जो फर्स्ट अपडेट आया हुआ है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में चाहे आप आरआरबी रांची जोन के छात्र हों, ठीक है, या आप पटना जोन के छात्र हों, या आप मुजफ्फरपुर जोन के छात्र हों, लेकिन अगर आपको धनबाद डिवीज़न अलॉट किया गया है तो ऐसे छात्रों के लिए अपडेट यहाँ पर नया ज्वाइनिंग से रिलेटेड आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो है धनबाद डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इस वेबसाइट पर जब आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा पैनल नोटिस ऑफ धनबाद डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि धनबाद मंडल में पैनलों की बड़ी संख्या को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना संभव नहीं है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि अतः सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना दी जाती है कि अपना धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से मैसेज करने से बचें। स्थिति सामान्य होते ही यथाशीघ्र लंबित पैनलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को हेतु बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया आगे कि दिनांक 2/6/2020 को वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को विभिन्न माहों में बुलाने की सूचना दी जा चुकी है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिएगा कब कब किन किन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सहायक लोको पायलट के छात्र हैं, जिनमें 235 कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पर संभावित महा जिसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की बुलाई जाएगी, तो 235 सहायक लोको पायलट के कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए, नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अगस्त 2020 में इनको बुलाया जाएगा। वहीं पर टेक्नीशियन सिग्नल एंड मैकेनिकल के 52 कैंडिडेट हैं जिनको सितंबर 2020 में बुलाया जाएगा। वहीं पर तीसरे में सहायक लोको पायलट के 341 कैंडिडेट हैं जिनको अक्टूबर 2020 में बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही गई है और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इन छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त माहों में चरणबद्ध तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जो जो छात्र 235 वाले पैनल में, 52 वाले पैनल में, 341 वाले पैनल में इनका नाम है, वो तैयार रहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट का ये यहां पर पहला अपडेट ये था। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्विटर हैंडल पर आ चुका हूं। ट्विटर हैंडल पर सेकंड अपडेट आया हुआ है, जिन छात्रों को चंडीगढ़ जोन से, यानी कि जो अपडेट आया हुआ है वो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आया हुआ है, और जिन छात्रों को चंडीगढ़ जोन से अंबाला डिवीजन अलॉट किया गया था उन छात्रों के लिए अपडेट है। यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ ट्विटर हैंडल पर, आप सर्च कर सकते हैं, वरना मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। DRM अंबाला नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ALP सिलेक्टेड एंड अलॉटेड अंबाला डिवीजन विल बी कॉल्ड वंस ट्रेनिंग शेड्यूल एज अवेलेबल फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बोला गया है कि जिन छात्रों के ALP के जो छात्र हैं जिनको अंबाला डिवीजन अलॉट किया गया था, उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर सीट स्लॉट के हिसाब से जैसे ही अवेलेबल होती हैं उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से छात्रों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बोला गया कि ऑल द कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू लेटर। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि उसी हिसाब से जिस तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताएगा कितनी सीट अवेलेबल हैं, उसी के हिसाब से छात्रों को उनके लेटर वगैरह उनको जो है इशू किए जाएंगे। तो लिस्ट यहाँ पर देखिए, डेट वगैरह तो नहीं बताई है, लेकिन लिस्ट जरूर बता दी उन्होंने कि किन किन छात्रों को इनकी जो ट्रेनिंग है उनके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिस्ट को देख सकते हैं, इसमें नाम दिया है छात्रों के और फादर्स नेम दिया है। तो जिन जिन का भी इसमें रोल नंबर हो, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव सिलेक्टेड एज ALP थ्रू RRB चंडीगढ़ अंबाला डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिस्ट को देख सकते हैं, इस लिस्ट में जो है 44 नाम है। दूसरी लिस्ट यहाँ पर देखिएगा, दूसरी लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं,
उसके बाद दूसरी लिस्ट में 91 कैंडिडेट हैं। वहीं पर हम अगले यहाँ पर लिस्ट की बात करें तो एक लिस्ट में एक नाम और है जो टोटल 92 कैंडिडेटों की लिस्ट है। इनको यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जैसे ही पता लगता है कि कितनी सीट अवेलेबल है उसी हिसाब से इन छात्रों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ।